मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। रमजान का महीना शुरू हो गया है और आज पहला रोजा भी हुआ। रमजान के महीने को लेकर मुंब्रा पुलिस, टीएमसी और ट्रैफिक विभाग ने सड़कों के किनारे किसी भी तरह हाथ गाड़ी लगाकर बेचने वालों को सड़क किनारे न लगाने की हिदायत दी थी। टीएमसी के तरफ से रमजान मार्केट मित्तल में लगाने को कहा गया था, जिसके लिए शहर में टीएमसी द्वारा बैनर भी लगा दिया गया था, मगर इसके बावजूद मित्तल में रमजान मार्केट नजर नहीं आई। मगर सबसे अहम बात यह है कि सड़क किनारे भी दुकानें नहीं लगी। जो भी फ्रूट इत्यादि बेचने वाले लोग थे, वो रोड से काफी दूरी पर अपनी गाड़ी लगाकर बेचने का काम किया। यहाँ तक कि गलियों में भी फ्रूट खजूर बेचने वाले हाथ गाड़ी लगाकर बेचते हुए दिखाई दिए। यानी कि लोगों ने काफ़ी समझदारी दिखाई और ना ही मित्तल में मार्केट लगा और ना ही सड़कों पर। लोगों ने बड़ी ही खुशी के साथ आज पहला रोज़ा रखा और गलियों में लगे मार्केट से इफ्तार की। था सड़कों पर जगह जगह पुलिस का बंदोबस्त था, कहीं भी किसी तरह का माहौल खराब ना हो। ट्रैफिक विभाग की तरफ से भी ट्रैफिक पर पैनी नजर रखी गई थी। आज कहीं भी ट्रैफिक जाम की स्थिति नहीं रही। मुंब्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर मधुकर कट ने रमजान और पुलिस बंदोबस्त के बारे में क्या कहा है। मुंब्रा पुलिस स्टेशन की तरफ से और मेरी तरफ से सभी मुंब्रा वासियों को पहले रोजा की हार्दिक शुभकामनाएं और आपको रमजान महीना मुबारक हो। दूसरी बात रही ट्रैफिक की, तो अभी रेलवे स्टेशन से लेकर तलाव शिमला पार्क तक पूरी ट्रैफिक खाली है। रास्ते पे हर जगह हमारी पुलिस 100-100 मीटर पे पुलिस तैनात है और ट्रैफिक का इंतजाम किया हुआ है। कहीं कोई ट्रैफिक का अड़तला नहीं है और सब अच्छा चल रहा है। मुंब्रा रेलवे स्टेशन से लेकर तलाव पाली तक आपका कितना पुलिस डिपार्टमेंट जो है कितना बंदोबस्त में लगा हुआ है। मुंब्रा पुलिस स्टेशन की तरफ से और माननीय एसपी साहब की तरफ से इन्होंने मुझे 7 अधिकारी और 60 कर्मचारी दिए हुए हैं। ये सिर्फ रोड के लिए दिए हुए, बाकी पेट्रोलिंग का भी स्टाफ है, डीबी का स्टाफ है और महिलाएं और खासतौर बच्चों की हमारी पूरी सुरक्षितता करने की तैयारी है। ये रमजान महीना आराम से चला जाएगा ऐसा लग रहा है। सर, जिस तरह से सड़कों पर जो है जो फल फ्रूट बेचने वाले लोग हैं उनको जो है सड़कों पर अलाउड नहीं किया गया इस बार कि वो सड़क पर जो है अपना धंधा नहीं लगा सकते, तो वो लोग गलियों में धंधा लगा रहे हैं। लेकिन ट्रैफिक का जो मसला था कि अगर ट्रैफिक यहाँ पर डिपार्टमेंट ट्रैफिक के लिए जो है आप लोगों ने किस तरह से कदम उठाया, जो ट्रैफिक विभाग के इंचार्ज हैं उनसे आपकी क्या बात हुई है ट्रैफिक को लेकर। मुंब्रा पुलिस स्टेशन और ट्रैफिक पुलिस समर लांबादे साहब एपीआई सीनियर पीआई, हमारे दोनों ने मिलकर मीटिंग किया था। माननीय सीपी साहब, डीसीपी साहब, एडिशनल सीपी साहब, जॉइंट साहब, इन सभी ने हमको बताया था कि ट्रैफिक का कोई प्रॉब्लम ना हो सके, इसीलिए हम लोगों ने हर जगह पुलिस रखी है। ट्रैफिक पुलिस के साथ पुलिस स्टेशन के और हेडक्वार्टर से जो स्टाफ मिला हुआ है वो बंदोबस्त को लगाया जा रहा है। सर, आज रमज़ान का पहला दिन है और ये रमज़ान एक महीने का होता है, तो इसमें आज पहले दिन में ही काफ़ी अच्छा बंदोबस्त देखने को मिला, तो क्या ये इसी तरह से पूरा महीना इसी तरह का बंदोबस्त रहेगा कि लोगों को जो है इसी तरह से ट्रैफिक की समस्या से जूझने नहीं पड़ेगा और आपका बंदोबस्त इसी तरह रहेगा क्या? बिल्कुल इसी तरह से सेफ्टी और सिक्योरिटी के हिसाब से बंदोबस्त रहेगा। उसमें ट्रैफिक पुलिस का योगदान है, हमें थाने कॉरपोरेशन का भी अच्छा सहयोग मिला हुआ है, हमारा डीबी पथक भी पेट्रोलिंग कर रहा है और जो रोड पे बंदोबस्त में पुलिस लगाई है उनका ज़्यादा कष्ट है, वो सभी ट्रैफिक मैनेजमेंट कर रहे हैं। सर, कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसा है जो गलत तरीके से रॉन्ग साइड से ऐसा गाड़ियां चलाते दिख रहे हैं, तो उन लोगों के ऊपर आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं क्या ऐसा? बिल्कुल गलत, एक तो रॉन्ग साइड से आके वो दूसरे आदमी को धोखादायक बन जाते हैं, तो उनके लिए भी कार्रवाई की जा रही है। कई रिक्शा वाले को हमारी अपील है कि वो बीच में खड़ी ना करें, उसकी वजह से ज़्यादा ट्रैफिक रुकती है, तो मैंने रिक्शा वालों की भी यूनियन लिया था, मीटिंग लिया था, बाद में शॉपकीपर्स वाले की मीटिंग लिया था, यूनियन के सभी पदाधिकारी हमने बुलाए थे,
जनरल पीस कमेटी मीटिंग में भी हमने सब हॉकर्स यूनियन के प्रतिनिधि, जो बाकी यूनियन के लोग हैं, उनको सभी को हमने बुलाया था और पीस कमेटी मीटिंग में हमने सबको उनकी सूचनाएं जो थी उसके ऊपर अमल किया हुआ है। यहाँ किसी को बख्शा नहीं जाएगा, बिल्कुल कार्रवाई जो है वो बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। कोई ये बड़ा ये छोटा ऐसा करके नहीं, जो कानून तोड़ेगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल लोगों ने भी समझदारी दिखाई और सड़कों के किनारे अपनी दुकान नहीं लगाई, और जिस तरह से सीनियर इंस्पेक्टर मधुकर कड ने खुद सड़कों पर उतरकर जायजा लिया, इससे कानून व्यवस्था भी बनी हुई है और ट्रैफिक भी कंट्रोल है। फिलहाल अब देखने वाली बात यह है कि क्या रमजान में पूरे महीने में इसी तरह बंदोबस्त रहेगा या फिर गलियों में लगने वाली दुकानें धीरे धीरे फिर सड़कों पर आ जाएंगी। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।